हेलो एवरीवन, मैं सदैव सिंह चारण आपके आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर दिए थे, आज हम वर्ब की बारी करते हैं। वर्ब आप सबको पता है कि क्या होती है। वर्ब यानी क्रिया। अब देखो, यहाँ से हम आगे देखेंगे। वर्ब एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एज यूज सिग्निफाई द एक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो वर्ब होती है वो किसको सिग्निफाई करती है? एक्शन को, प्रोसेस, कंडीशन, कोई कंडीशन हो, कोई स्टेट यानी अवस्था, बींग ऑफ पीपल और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति की कंडीशन, किसी व्यक्ति की स्टेट, किसी व्यक्ति की एक्शन को सिग्निफाई करती है। बेसिकली वर्ड दैट कैरेक्टरिस्टिकली इन द ग्रामेटिकली सेंटर ऑफ अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेस एन एक्ट। प्रेडिकेट जैसे बोलता हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाकी जो है वो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंदर एक सेंटर का काम ये करती है। अक्रॉस अ मोड इन बीइंग अ वेरियस लैंग्वेज इलिफिक्टेड फॉर एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, फॉर टेंस, टेंस के लिए काम करती है, फॉर वॉइस, वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं वॉइस उसके लिए, एक्टिव पैसिव मूड, मूड के लिए भी काम करेगी। एक्सपेक्टेंट टिपिकली हैज अ फुल डिस्क्रिप्टिव मीनिंग एंड कैरेक्टराइज क्वालिटी इन इट। द डिफरेंस टाइप ऑफ वर्ब इज अ मेंशन बिलो। और बाकी जो वर्ब है अलग अलग वो नीचे मेंशन कर रखी है, वो हम देखते हैं क्या क्या होती है। फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो एक एक को हम चेक करेंगे। टू नो डिटेल क्लासिफाइड वर्ब विथ एग्जाम्पल, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल PDF दैट वी प्रोवाइड। और इसमें देखिए आप आगे, ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर वन मोर ऑब्जेक्ट इज रिसीव दैट एक्शन ऑफ द वर्ब सेंटेंस। वो वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब है जिस जो एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती है या जिसका ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आई बात समझ में? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, वो वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती है। आगे देखते हैं, शी रीड्स द बुक, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट द बुक, शी रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है, ठीक है। फिर आगे, शी गेव मी अ मोबाइल फोन, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब किसके साथ है? ऑब्जेक्ट मोबाइल फोन के साथ। तो इस तरह की जो वर्ब होती है। फिर आगे, आज सा हर इन द मार्केट, अब इन द मार्केट, हर 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 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वॉन्ट्स अ पेन, यहाँ पेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। जैसे द बुक ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, यह द बुक, ठीक है। मी और मोबाइल फोन दोनों। उसके बाद मार्केट, पेन, ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जेक्ट है। आप देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब आगे। इंट्रांजिटिव वर्ब में हम देखेंगे रिक्वायर नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, शी रीड्स जिसमें हम देख रहे हैं वर्ब, ठीक है। सिट डाउन, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर शी इज सिंगिंग, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी जो वर्ब है इसको हम कह सकते हैं इंट्रांजिटिव। क्या कह सकते हैं? इंट्रांजिटिव। तो सीधा सिंपल लॉजिक आपको ध्यान रखता है, जो हैविंग विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ है वो
आपकी ट्रांजिटिव कहलाएगी, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव कहलाएगी। सीधा और सिंपल लॉजिक आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल आप वॉक टू पार्क, ये सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं, वे टू फाइंड ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन सेंटेंस देन वर्ब इज अ ट्रांजिटिव सेंटेंस। ओके, काइंड ऑफ वर्ब और अलग अलग प्रकार से, और हम वर्ब को किस प्रकार, जैसे प्रिंसिपल लेक्सिलरी एंड मेन वर्ब कह सकते हैं, या ऑक्सिलरी से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे आप यूज़ करते हो तो उनको देखते हैं। प्रिंसिपल कौन सी वर्ब होती है जो मेन वर्ब कह सकते हैं, ही इज़ अ शुगर, तो यहाँ पर ये मेन के रूप में, शी डज हर जॉब। यहाँ पर डू का मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ, यहाँ डू का मतलब करना है के अर्थ में यूज़ हुआ है। उसके बाद हैव यानी होना मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वैसे ही आप इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। वर्ब एंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड कॉलिंग एक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हम देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो हेल्प, आपने मेन वर्ब के रूप में इसको यूज होते हुए देखा है। अब आगे हमें एक्सिलरीज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल वर्ब फॉर्म ऑफ सेंटेंस, जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होती है। जो प्रिंसिपल वर्ब यानी जो मेन वर्ब होती है उसको हेल्प करती है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। जैसे सी इज, अब सिंगिंग जो मेन वर्ब है आपकी, प्रिंसिपल वर्ब आप क्या है, सिंग, और इसकी जो हेल्प कर रही है वो ये हो गई, जो हेल्प कर रही है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। एक्सिलरीज वर्ब्स एंड टू टाइप्स, इसमें एक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो मॉडल हो जाती है और एक हम कह सकते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, मॉडल। तो प्राइमरी हम देख सकते हैं, जैसे बी के अलग अलग फॉर्म होती है इज, आर, एम, ये सारे बी, एम, इज, वॉज, आर, वर, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डस, डिड, ये सारी, जैसे ये आपके सिंपल की हो गई, ये सिंपल की, ये पास्ट की, ये परफेक्ट की, ये कंटिन्यूस की, ये परफेक्ट की, ऐसे ये पास्ट की, ये सारी सिंपल की, इस तरह से हम देख सकते हैं उनको। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आप जो डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग, जैसे कंटिन्यूस के अंदर अलग होती है, जैसे हम सिंपल के अंदर देखते हैं तो डू, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है डू डस, फिर अब कंटिन्यूस इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड पास्ट में आ जाती है, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने टेंस में पढ़ी थी, आपने टेंस पढ़े होंगे उसमें आपने इसको नोटिस किया होगा। जैसे हम आगे देखते हैं, आई एम डूइंग द जॉब प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम डूइंग द जॉब, अभी आई एम डूइंग द जॉब, इसमें आई एम, वॉज स्लीपिंग मेन वर्ब ये रहेगी, इसके साथ वॉज या डू के साथ एम मेन वर्ब के साथ यूज हुआ, डन इज, रीड्स, अब यहाँ पर जो रीड्स वर्ब यूज हुई है, तो इस तरह के हम ये रीड्स जो होती है प्रेजेंट फॉर्म पार्टिसिपल जो हम कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल जिसका यूज कर सकते हैं, इसका इज, हैव, डज, मेक के साथ यूज हुआ है, डव ऐसे। अब मॉडल, मॉडल की कौन कौन सी होती है आपको पता ही है, मॉडल वाली कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये सारी चीज़ें। मॉडल ओनली टेक द बेस फ्रॉम द वर्ब्स आफ्टर देन, शैल वी स्टार्ट द गेम, आस्किंग द क्वेश्चन, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहा है, यू शुड रीड द बुक, वुड यू गिव अ कप ऑफ कॉफी, रिक्वेस्ट, आई कैन डू द सम एबिलिटी, मे आई कम इन, परमिशन, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये आपको समझ में आई होगी, ये जो वर्ब का जो मैंने पूरा आपको समझाया है। अगले नेक्स्ट अपन एडवर्ब पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसमें रिवाइज करें, और आप जो इसमें अगर आप टेंस में कंप्लीट पूरी तरह से आपको टेंस में पकड़ करनी है तो ये वर्ब आपको होना जरूरी है। आप वर्ब की जो फॉर्म होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक वर्ब की फॉर्म बता रहा हूँ, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, जैसे गो, ठीक है, सेकंड फॉर्म वेंट,
थर्ड फॉर्म गोन। अब इसकी फोर्थ फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या कह सकते हैं, गोज। तो इस तरह से मेनली तो थ्री फॉर्म होती है, लेकिन हम इसको और भी इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।